जहाँ हम मानते हैं कि ये लोग आमादा हैं कि खूटी का विकास करके रहे, उसके लिए साम दाम दंड भेद सब का इस्तेमाल करेंगे, और इसी क्रम में और जो लोग भी इसका विरोध करेगा, खूटी का तथा कथित विकास का जो इनका सपना है उसको वो कुचल देंगे, उसको उस आवाज़ को ये बंद कर देंगे। इस क्रम में कई घटनाएं लगातार हो चुकी हैं। खूटी में आंदोलनकारी जो थे वो पत्थर लगाने वाले देशद्रोही हो गए, पत्थरगड़ी करने वाले देशद्रोही हो गए, और वहाँ पत्थरगढ़ आंदोलन कराने वाले जो थे, जो आंदोलन कर रहे थे वो बलात्कारी हो गए, वो नक्सली हो गए, वो यहाँ फिर उसी जमात के लोग यानी मिशन से जुड़े लोग यहाँ बच्चों बेच रहे हैं। तो ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आपके ऊपर क्या मामला है? मेरे ऊपर सिंपली मामला ये है कि हमारे फेसबुक पर जो हम लोग लिखे हैं छोटा छोटा चीज, उसमें वे कहते हैं कि आधार कार्ड मेरी पहचान नहीं, मेरी पहचान पत्थर गली है। इतना ही लिखना मात्र मेरे लिए देशद्रोह, जो देशद्रोह है। आलोका जी आप क्या लिखे हैं? मैंने लिखा है खुटी की जुलियानी कीड़ू खतरे में है, ये एक सूचना के तहत, ये जुलियानी कीड़ू खतरे में है, ये ऐसी सूचना मिली है, यही लिखा है। आपका नाम? हाँ, आप लेकिन स्क्रीन को अभी तक दिख नहीं रहा है किस कमेंट पर है, लेकिन देखिए लोकतांत्रिक सरकार में जब एक भारत में रहते हैं जहाँ लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के मूल भावना को समझना पड़ेगा कि वो आप जनता की भावना को लेकर सरकार का निर्माण किया जाता है, और जनता के विचारों के अनुरूप या फिर उनके जो भी बात है उसको सुना जाता है और उस पर कम से कम वार्ता की जाती है। तो खूटी प्रकरण में आप शुरू से देखेंगे कि सरकार उनको एक गलत तरीके से प्रचारित प्रसारित करती आई है, जबकि होना ये चाहिए कि अगर किसी तरह की समस्या होती तो पूरे प्रकरण को देखने से उनके द्वारा मांग की जाती रही है कि सरकार एक निश्चित रूप से मुकम्मल वार्ता तैयार करे जिसमें वो लोग भी रहें और सबकी बात हो। जहाँ तक संविधान व्याख्या गलत करने की बात है तो सरकार को अपनी ओर से एक संविधान की सही व्याख्या देनी चाहिए ताकि झारखंड में रहने वाले हर एक समुदाय के लोग इस पत्थलगड़ी जो प्रकरण हो रहा है उससे भ्रमित रूप से हो सकता है उसको देखते हैं, लेकिन सरकार की ओर से अगर एक सही व्याख्या इस पर दी जाए तो बहुत अच्छा।